का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही आज ये प्रसन्नता का विषय है कि गुरु नानक देव जी का आज जन्मदिवस है, जयंती दिवस है। इस अवसर पर, गुरुपुरब के अवसर पर हरियाणा में प्राय सब जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरुपुरब मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा इकट्ठ इस अवसर पर, जैसा हम जानते हैं, कपाल मोचन जो तीर्थ होता है, उस तीर्थ के साथ, क्योंकि गुरु परंपरा के सब लोग उसमें जुड़े हैं, लाखों लोग स्नान करने आते हैं, कार्तिक का स्नान। आज कल शाम की भी खबर यह है कि 5 लाख लोग वहां स्नान करने आए हैं। तो ऐसे अवसर पर यहां गुरुद्वारा नाडा साहब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। मुझे भी आज अवसर मिला है गुरुद्वारा नाडा साहब आकर के, और गुरुपुरब के अवसर पर मैं माथा टेक करके हरियाणा की जनता की कुशल क्षेम की कामना करता हूं, और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, ये प्रसाद योजना जो देश भर में चलाई गई है तीर्थ स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहां की जो पार्किंग का, मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था। आज ठीक 27 नवंबर 2023 37 महीनों में बनकर के तैयार हो गई है मल्टी लेवल पार्किंग। आज इसका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, उन सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, तो सबको सुविधा होगी। इस अवसर पर भी मैं सबको बधाई। सर, आपने कल एक लड़कियों को फ्री एजुकेशन देने की स्कीम है, वो बड़ी घोषणा थी, हरियाणा में पहली बार। देखिए, जो गरीब परिवारों की हमारी बेटियां कॉलेजेस में पढ़ती हैं, जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स फैकल्टी के जो डिग्री कॉलेज के हैं, उनमें ऐसी गरीब परिवार की 1,80,000 रुपए तक की जो इनकम के परिवार हैं, उनकी बेटियों को सरकारी कॉलेजेस में तो मुफ्त शिक्षा पहले से मिलती है, अब प्राइवेट कॉलेजेस में भी उनको जो सामान्य कॉलेज हैं, जो खास करके EDB कॉलेज हैं, या जहां इस प्रकार की फीस जो चार्ज करते हैं लोग, उसको माफ किया जाएगा, उसको सरकार जो है उनकी भरपाई करेगी। ऐसे प्राइवेट कॉलेज को, उन प्राइवेट कॉलेज को हम देंगे, बशर्ते कि प्राइवेट कॉलेज आगे आए और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, सरकार उसकी फीस की रिइंबर्समेंट करेगी। 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक के जो परिवार हैं, उनकी 50% फीस वो रिइंबर्स की जाएगी। सर, गुरु नानक देव जी ने लोगों को कुछ ऐसी शिक्षाएं दी थी जो सही राह पर चलने का मार्ग सिखाती है। आप भी लगातार प्रदेशवासियों को सही राह पर चलने के लिए, चाहे नशा मुक्त अभियान हो, इस तरह की कई। गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में इस थोड़े से समय में व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे उन्होंने हमेशा जनता को कहा, क्या वर्ण छक्को कीर्त करो, और वर्ण छक्को कीर्त करो, हाँ, तो इस नाते से एक ठीक मार्ग पर चलने के लिए, और उन्होंने हमेशा ये कहा है, और उन्होंने कभी किसी समाज विशेष के बारे में नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सबका भला होना चाहिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वदा भला। उन्होंने किसी एक वर्ग को नहीं, सारे समाज के सर्वत के भले के लिए उन्होंने हमेशा कामना की है, और हमेशा बुराइयों से बचने के लिए भी उन्होंने हमेशा कहा कि भगवान की तरफ अपना लगन लगाएंगे तो जो बुराइयां हैं वो अपने आप छूट जाएंगी। ध्यान करने से हर चीज, नशे के भी बहुत विरोध भी उन्होंने काम किया, तो इन सब चीजों से जो उस समय जनता प्रभावित हुई थी, हमारी कोशिश है कि उनकी शिक्षाओं को आज भी उतनी तर्क संगत उनको फैलाया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। हरियाणा सरकार भी इस पर खूब काम कर रही है। धन्यवाद।